दिल से भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। मेरा नाम MC जैन है और मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और डॉक्टर जैन ग्रुप का मैं अध्यक्ष हूँ, जिसकी 4-5 फार्मा इंडस्ट्री हैं और मैं 32 साल से दवा उद्योग में एज ए मैन्युफैक्चरिंग में हूँ और विभिन्न प्रदेशों में मेरा ये उद्योग एक्सपोर्ट भी मैं दवाइयाँ करता हूँ। आज मैं शिमला में जो आया वो आने का मेरा मतलब भी यही था कि मैं करीब 10 साल से ड्रग अथॉरिटी हिमाचल प्रदेश के विरुद्ध एक लोगों को जागरूक भी कर रहा हूँ और जो उसके भ्रष्टाचार से मुक्त होना चाहते हैं उनका हौसला भी बढ़ेगा। कुछ लोग बोल नहीं पाते, वो मेरे बताने से शायद बोल भी पाएंगे और उस भ्रष्टाचार को उजागर करने का मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय को भी 28/4/2022 में एक पत्र लिखा था, जिसको 4 मई 2022 में प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक पत्र हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सचिव को लिखा कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, परंतु आज 6 महीने हो गए कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि उसको लीपा पोती करके उसको दबा दिया गया। इसलिए मेरी तो एक ही मांग है और मेरा किसी ड्रग अथॉरिटी के किसी अधिकारी से कोई पर्सनल झगड़ा नहीं है, ना मेरी कोई उससे ब्लैकमेलिंग है। मेरी तो एक ही बात है, अगर आप इस देवभूमि में इतने लोगों की मेहनत से इतने लोगों को लोग रोजगार करने यहाँ पे दूसरे प्रदेशों से लोग उद्योगपति आए हैं, उन्होंने करोड़ों रुपए लगाकर उद्योग लगाए हैं, उनको ईमानदारी से उद्योग करने दे। वो चोरी तब करेगा जब उसको कोई पैसे देने पड़ेंगे, जब 20-20 से 25-25 लाख रुपए एक उद्योगपति को हर महीने ड्रग कंट्रोलर नवनीत मरवा को देने पड़ेंगे तो दवाई वो ठीक ना बनाने की भी उसकी मजबूरी है। जो आप पर और आपके क्या मेरे और मेरी वाइफ के ऊपर कोई मामला दर्ज नहीं है, अगर कोई नहीं वो आप बता रहे हैं, पर मेरी नॉलेज में कोई ऐसा मामला नहीं है, कोई मामला नहीं है मेरे ऊपर ना मेरी पत्नी के ऊपर। और अभी नवनीत वर्मा ने अभी एक FIR झूठी दर्ज करवाई है, वो भी एक हाई कोर्ट का, 1 सितंबर माननीय हाई कोर्ट शिमला ने मेरे एक जो इन्होंने 2013 में ड्रग मरवा ने एक FIR दर्ज भी करवाई थी और एक मुकदमा भी दर्ज करवाया था, वो माननीय उच्च न्यायालय ने FIR भी कैंसिल कर दी और मुकदमा भी कैंसिल कर दिया। 1 सितंबर को उसका ऑर्डर भी आ गया। उसके बाद नवनीत मरवा ने 8 सितंबर को फिर एक झूठी FIR दर्ज करवाई है। तो अगर ये झूठी FIR दर्ज करवाते रहेंगे तो मैं इनसे डरने वाला नहीं हूँ ना मैं, मुझे आज भी धमकियाँ आई हैं, उनके गुंडों ने धमकियाँ दी हैं, उनका एक अभी दलाल है पंकज कपूर जो कि जीरकपुर में रहता है, 2019 में उस आदमी के पास पैन कार्ड भी नहीं था, आज वो 1.5 करोड़ रुपए के फ्लैट में रह रहा है, 1.5 करोड़ रुपए का फ्लैट लिया उसने और 100 करोड़ रुपए की रॉयल एप्पल के नाम से कंपनी बढ़ा दिया, पैसे नवनीत मरवा के लगे हुए हैं। अभी हाल ही में निक्सी लेबोरेटरी जिसमें 5 आदमी मर गए, वह भी नवनीत वर्मा का पैसा लगा हुआ है, इसीलिए नवनीत वर्मा उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा। वरना ये बताइए, जिसमें इतने आदमी मर जाएं और वो ड्रग कंट्रोलर चुप बैठा है तो उसकी वजह तो जान सकते हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि आप चुप क्यों बैठे हैं, वो फैक्ट्री को प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया, हम तो या कोई उच्च अधिकारी उससे जांच कराए या कोई सेंट्रल एजेंसी से जांच कराए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, हमारी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।